तो आप लोग को जैसा बताया गया था कि 1 नवंबर से आप लोग का बैच स्टार्ट हो जाएगा हमारे तो इंस्पायर कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में, और आज से ही स्टार्ट हो रहा है एनटीपीसी का बैच। आप लोग को ये बात पता ही है, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को इंट्रो क्लास में बता दिया गया था सिलेबस वगैरह के बारे में, बट एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं कि हम लोग को क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जीएस को पढ़ना। क्योंकि CBT 1 में आप जब देखेंगे एनटीपीसी का सिलेबस तो आपको दिखेगा कि 40 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, CBT 2 में आपका 50 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं जीएस से, दोनों को कंबाइन कर दिए तो 90 क्वेश्चन जीएस से आता है सिर्फ आपका क्या बोलते हैं एनटीपीसी में। तो इसलिए जीएस को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात यह है कि हम लोग इंस्पायर कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में कोशिश करेंगे सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने का, और खास करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने का, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक्स है। इससे क्या होगा, हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग को एक अच्छा इनफ टाइम भी मिल जाए अपने सिलेबस को रिवाइज करने का, और जीएस के लिए आप लोग टेंशन फ्री हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ देखो जीएस में ना सबसे पहले हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं। एंशियंट हिस्ट्री इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ना सबसे शुरू में क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और जल्दी खत्म भी हो जाएगा एंशियंट हिस्ट्री। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी आज हम लोग देखेंगे, और जैसा आप लोगों को पता है ना कि 90 क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते जीएस को। ठीक है, मैथ रीजनिंग का भी कुछ वेटेज है मानते हैं, बट इसमें जीएस का भी अच्छा खासा वेटेज है, तो जीएस का अच्छा पकड़ होना भी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, डिसाइडिंग फैक्टर ये भी बनेगा। तो एंशियंट हिस्ट्री से आज हम लोग का क्लास होगा स्टार्ट। एंशियंट हिस्ट्री का सबसे पहले आज हम लोग कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एंशियंट हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले टॉपिक्स में देखा जाए तो प्री हिस्टोरिक एज हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना, जिसमें स्टोन एज आ जाएगा। हिंदी वाले समझ लो पूरा पाषाण काल जो हो गया, जो पत्थर वाला युग था, वो आपका पूरा स्टोन एज में आ जाएगा। स्टोन एज में हम लोग देखेंगे कि फर्दर क्लासिफिकेशन, और भी इसको हम लोग विभाजित करेंगे 3 सेक्शन में, आप लोग को पता ही होगा, जो जिनको नहीं पता उनको भी पता लग जाएगा, धीरे धीरे क्लास बताते आते रहिए। सबसे पहले आ जाएगा पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, फिर मेसोलिथिक पीरियड, ये जो मध्य पाषाण काल था वो आ जाएगा, फिर नियोलिथिक पीरियड जिसको नव पाषाण काल या नया जो युग था स्टोन एज में वो हो गया। तो इसमें लोग स्टोन एज में तीनों को पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड को भी पढ़ेंगे, मेसोलिथिक पीरियड को भी पढ़ेंगे, और नियोलिथिक पीरियड को भी पढ़ेंगे। अभी समरी दे दे तो पैलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड था जब हम लोग टोटली फूड गैदरर्स और हंटर्स थे, समझ में आ गया ना, इधर उधर भागते रहते थे दिन भर, है ना, खाना की तलाश में, तो वो वाला एज था हमारा पैलियोलिथिक पीरियड। उस समय में आइस एज भी इसको बुलाया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हुआ करता था, समझ में आया ना, तो क्या है ना कि उस समय में क्लाइमेट इतना ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली नहीं हुआ करता था जब अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो रहा। अच्छा, पैलियोलिथिक पीरियड में भी हम लोग 3 पीरियड पढ़ेंगे, अपर, लोअर और मिड। तो आप देखोगे कि जब शुरुआत हुआ है पैलियोलिथिक पीरियड का, तो उस समय में ज़्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं था हम लोग, मतलब क्लाइमेट फ्रेंडली ज़्यादा नहीं था, इकोसिस्टम जो है वो क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं हुआ करता था, जिसके वजह से इंसान को वहाँ पर सर्वाइव करने में काफ़ी दिक्कतें आई शुरुआती दौर में। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़े क्लाइमेट वार्म होता गया, जैसे जैसे वार्म होता गया, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इंसान अब एक जगह से दूसरे जगह तक ज़्यादा मूव कर रहा था पहले के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि वार्म जब क्लाइमेट हो गया तो खाना की तलाश में वो लोग ज़्यादा आराम से इजिली घर से बाहर निकल करके जाने लगे। अब यहाँ घर के बाहर मतलब ये घर टेक्निकली वैसा घर नहीं समझ लेना है कि यहाँ पर अभी घर वगैरह आया नहीं है, सब लोग गुफा में ही रह रहे हैं, ट्रीज वगैरह में रह रहे हैं, इसी तरह से चल रहा था पैलियोलिथिक पीरियड में। फिर यहाँ पर जो टूल्स यूज हुआ करता था, है ना, वो सारा स्टोन का बना रहता था। हम आपको इसका सारा का फोटो वगैरह भी दिखाएंगे जैसे जैसे क्लासेस आगे जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी स्टोन का टूल्स यूज हुआ करता था वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता था, समझ में आ गया ना, एज कम्पेयर टू जो बाग़द में आया, क्योंकि इंसान अभी स्टोन को तेज करके, समझ रहे हो, उस तरह से यूज़ नहीं करना सीखा था, स्टोन्स बड़ा बड़ा हुआ करता था यहाँ पर, समझ में आ गया ना, बड़ा बड़ा स्टोन्स का हम लोग कुछ ना कुछ बना करके उससे हम लोग शिकार किया करते थे, समझ में आ गया ना। इंसान के अंदर वो कला जो होगा वो धीरे धीरे आगे के पीरियड्स में आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा स्टोन एज में जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोग को देखने को मिलेगा, ब्लेड्स आ गया, एक्सेस आ गया, है ना, क्या बोलते हो आपका टूल्स जो और छोटा होता गया, जितना ज़्यादा हम लोग स्टोन एज में आगे बढ़ेंगे टूल्स उतना ज़्यादा शार्प और छोटा होते जा रहा होगा, समझ में। इससे पता चलता है कि आदमी कितना स्पीड में विकास कर रहा था, उसका सोच मस्तिष्क किस तरह से डेवलप कर रहा था, ये हम लोग स्टोन एज में पढ़ेंगे, तीनों में, पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में, नियोलिथिक में। मेसोलिथिक में तो हम लोग एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करने लग गए थे, सनमाया, तो ये भी पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे जानवर को पालने लग गए थे, सनमा गया ना, यहाँ पर हम लोग पालना सीख गए थे। इसके बाद नियोलिथिक में तो हम लोग एग्रीकल्चर वगैरह भी करना, क्रॉप्स वगैरह उगाना भी हम लोग सीख लिए थे। तो ये तीनों पीरियड को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, किसमें,
स्टोन एज में, समझ में आ गया ना। अभी आप लोग को बस ऊपर ऊपर से एक समझ लो एक इंट्रो दे दे रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन में देखेंगे कि किस तरह से उस जमाने में भी आज के जैसा सारा चीज अवेलेबल था। लोगों के पास ड्रेनेज था, है ना, लोगों का घर किस डिजाइन का हुआ करता था, समझ में आ गया ना, लोगों के लिए ग्रीनरी हुआ करता था, समझ में आ गया ना, गोडाउन हुआ करता था, है ना, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जो समझ लो ऐसा सभ्यता है ना, जो मतलब जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, ये अपने आप में काफी आपको विचलित कर देगा कि उस जमाने में लोगों के पास इतना ज्यादा सुविधा हुआ करती थी। मतलब वो सारा चीज जो आज हम लोग करते हैं ना, पास्ट में भी ये लोग किया कर रहे थे। सनमाया तो आपको जानकर के काफी अच्छा लगेगा। जो लोग खास करके पहली बार पढ़ रहे हैं या जो लोग जानते हैं उनके लिए तो चलो अच्छी बात है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन काफी ज्यादा विकसित था, जो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद वैदिक एज में देखेंगे, वैदिक एज में हम लोग देखेंगे आर्यंस के इवेंट वगैरह जो हो गया, सन में आ गया ना। अच्छा, यहाँ पर फिर से एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। यहाँ हड़प्पा एज में हम लोग कितना ज़्यादा डेवलप थे, कितना ज़्यादा एडवांस थे, वैदिक एज में आते आते देखेंगे कि सारा चीज़ कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है, है ना। हम लोग बैक वही जगह जा रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं नलीफाई हो जा रहा है। आखिर क्या रीजंस था, क्यों ऐसा हुआ, स्टोरी की तरह हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डेटा तो पढ़ना ही हम लोग को, लेकिन आप लोगों का क्लास एंशियंट हिस्ट्री को भी हम कोशिश करेंगे इस वे में पढ़ाने का कि आप लोग को बोर ना लगे, आप लोग स्टोरी की तरह सारा चीज को पढ़ लो, समझ में आ गया, कहानी की तरह पढ़ो ताकि आप लोग को भी याद रहे कि किस वजह से ये चीज हो रहा था। तो वैदिक एज में हम लोग देखेंगे तो वेदास वगैरह जो बना है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, ये चारों वेदास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये वैदिक पीरियड आप लोग के लिए काफी ज्यादा अच्छा और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझा गया ना, ऋग्वेदा आप लोगों को पता ही होगा, ओल्डेस्ट वेदा हो गया, यजुर्वेदा वो हो गया जिसमें सारा सेरेमनी वगैरह का बात हुआ करता था, सनमाया, और सामवेदा हो गया जो आज म्यूजिक आप लोग देख रहे हो, ये म्यूजिक का अगर फॉर्म देखा जाए तो सामवेदा से हम लोग को पता चलता है, और अथर्ववेदा जो हो गया वो सबसे क्लोज माना जाता है ह्यूमंस का। मतलब ऐसे तो चारों वेदा ह्यूमंस के लिए है बट सबसे क्लोज माना जाता है, अगर कोई कॉमन आदमी का सबसे क्लोज में है ना तो वो अथर्ववेदा। इसमें मेडिसिन का, जादू टोना वगैरह ये सब चीजों का बात भी किया गया है यहाँ पर, समझा गया ना, अथर्ववेदा में बहुत क्लोज है देखा जाए तो कॉमन पीपल का। तो अथर्वेदा के बारे में पढ़ेंगे, तो चारों वेदास के बारे में पढ़ेंगे। इसका वेदंगास क्या होता था, जो वेदा को पढ़ने में मदद करता था, शिक्षा कल्पा, है ना, छह टाइप के होते थे। इसके अलावा आरण्य क्या जो होता, जो फॉरेस्ट बुक्स कहा जाता है, उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और ये हम लोग सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ लेंगे। समझ में आया ना, जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री का सोर्स जो है ना वो कुछ कुछ आर्कियोलॉजिकल है जो खुदाई वगैरह से पता चलता है, जैसे इंस्क्रिप्शन वगैरह हो गया, कुछ कुछ ऐसा है जो हम लोग को पढ़ करके लिटरेसी सोर्सेज से पता चलता है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन में भी हम लोग इसको हालांकि पढ़ ही लेंगे। इसके बाद हम लोग महाजनपदास थोड़ा बिहार में जानेंगे कि क्या हो रहा था, मगध डायनेस्टी किस तरह से फ्लोरिस किया, समझ में आ गया ना, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट रिलीजन जो इस समय में बनते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इससे क्वेश्चंस तो भर भर के आते हैं, तो वो सारा देखेंगे। जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुआ है, समझ में आ गया, वो सारा काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इनका ओवरऑल क्या फिलॉसफी है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्री मौर्यन पीरियड में पढ़ेंगे, जो प्री मौर्यन यानी कि ठीक मौर्यन पीरियड स्टार्ट होने से पहले, अशोका वगैरह का रूल आने से पहले, प्री मौर्यन में जब अलेक्जेंडर वगैरह आए तो क्या हुआ, नंदा डायनेस्टी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ये सब के बारे में कुछ ओवरऑल पिक्चर लेने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग मौर्यन पीरियड में अशोका वगैरह का राज में जो इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखा गया, अशोका और गुप्ता जी, यही दो ऐसा डायनेस्टी रहा है, एक अशोक जी का और एक गुप्ता जी का, जहाँ पर भर भर कर इंस्क्रिप्शन हम लोग को पढ़ना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट मॉडर्न पढ़ेंगे, जहाँ पे गुप्ता पीरियड स्टार्ट भी हो रहा है, प्री गुप्ता भी बोल सकते हो, और हमारा आर्ट एंड कल्चर किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और आप लोग को पता ही होगा कि सोने की चिड़ियाँ हम लोग को गुप्ता एज में ही कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, ये जब हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री तो आप लोग को ज़्यादा बेटर में वे समझ आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ हो जाएगा हमारा, क्या बोलते हो आप, एंशियंट हिस्ट्री में। और इसके अलावा जो एक टॉपिक पढ़ना है, ये हम यहाँ पे लिखने भूल गए हैं, वो है सोर्सेस। हम इसके लिए स्लाइड्स बना के लाए हैं आप लोगों के लिए, सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। ये तो हम लोग देखेंगे लिटरेरी सोर्सेस क्या क्या है, एक सेकेंड, हम लोग देखेंगे लिटरेरी सोर्सेस क्या क्या है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या क्या है। तो ब्राह्मणिकल लिटरेचर जो हो गया, वेदास वगैरह हो गया, सारा हम लोग लिटरेरी सोर्सेस में पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट बुक्स जो हो गया और ऑथर्स हो गया, ये इसका आप आपको पीडीएफ भी और पीपीटी भी प्रोवाइड कर देंगे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग को याद करने के लिए वो सारा मटेरियल दे दिया जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोग इंस्क्रिप्शन वगैरह भी देखेंगे, आप लोग को दिखाई देते हैं थोड़ा, एक काम करो रुको अगले स्लाइड्स में। जैसे लिटरेरी सोर्सेज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सारा चीज़ तो बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे स्लाइड्स में। देखिए हम आप लोग के लिए ये बना करके भी लाए हैं,
तो इम्पॉर्टेंट बुक्स में देखिए, ये सारे इम्पॉर्टेंट बुक्स आपके रहेंगे जो आप लोग को पढ़ना है। ये आप लोग का पीपीटीज मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, तो आप लोग को बस एक बार देख लेना। और कुछ कालिदास जी का जो हो गया है ना, ये सब जो हो गया, विशाखा दत्ता का हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स है जिनका आपको याद रखना है, ठीक है ना। पंचतंत्र जैसे हो गया, ये सब से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उसको तो करना ही करना है। और यहाँ पर जितना भी दिया हुआ मोस्टली इंपॉर्टेंट ही है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो इंस्क्रिप्शन वाले सोर्सेस है वो भी हम आप लोग के लिए बना करके लाए हैं। इंस्क्रिप्शन के लिए आप लोग देखिए, जैसे इंस्क्रिप्शन में आप लोग नासिक के वगैरह हो गया, समझ में आ गया ना, दूध पानी वगैरह जो हो गया, ठीक है, और भी स्लाइड्स में है, जूनागढ़ का हो गया इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना, ईरान वाला हो गया, ये सारा को हम लोग को पढ़ने वाले, ये सारा आप लोग को पीपीटी हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्टोन एज में जाएंगे और फिर हमारा क्लास स्टोन एज की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग एंशियंट हिस्ट्री, इस तरह से हम लोग का चलने वाला है। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सोर्सेज के बारे में पढ़ लेंगे, सोर्सेज ऑफ हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोग को क्लास इंटरेस्टिंग लगेगा। धीरे धीरे बस आप लोग क्लास आओ। क्या है ना कि एंशियंट हिस्ट्री थोड़ा ऐसा है जो याद करने वाला चीज़ इसमें ज़्यादा है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ना हिम्मत छोड़ देते हैं। जनरली हम भी क्लास पॉलिटी या इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं, एक रिदम बन जाता है, क्योंकि उसमें समझने वाला चीज़ ज़्यादा होता है, तो बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ना, स्टूडेंट्स ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट एंशियंट हिस्ट्री एक तो हिस्ट्री ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं, बट अगर आप कॉम्पिटिशन के फील्ड में आए हो तो आपको हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास नो अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आप नहीं भी पसंद करते हो तो भी आपको पढ़ना होगा, और एंशियंट हिस्ट्री तो जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने में। बस वही है, फैक्ट्स ज़्यादा है, थोड़ा सा याद करने का होता है, हम भी जान रहे हैं, हम भी एग्जामिनेशन दिए हैं, यूपीएससी हम भी दिए हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन हम भी देते हैं, सन्माया ना, हम मेंस भी दिए हैं यूपीएससी का, तो हमको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को, हम भी रिलेट कर पाते हैं आपसे। बट याद तो करना ही होगा, हम लोग सब याद किए हैं तो याद तो करना ही होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस वे में हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे ना, ये कि आप लोग को मतलब समझ लो स्टोरी वाइज लगे, ऐसा ना लगे कि कोई बर्डन दिया जा रहा है, समझ में आ गया ना। एक क्रोनोलॉजिकल वे में एक इवेंट्स होंगी जिससे आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओगे एंशियंट हिस्ट्री के सारे इवेंट्स को, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ेदार लगेगा पढ़ने में। ओके, तो बस आप लोग क्लास में अटेंटिव रहें और रोज़ आया करें, समझ में आ गया, हिम्मत नहीं हारिएगा, बस रोज़ आइए। अब सोच लिए एनटीपीसी निकालना, तो थोड़ा सा तो मेहनत आप लोग को करना ही पड़ेगा, अभी से 7 से 8 महीने के बाद एग्जामिनेशन होगा, है कि नहीं, तो अभी से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। लास्ट स्टेज में पढ़ोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, और जीएस को तो बाबू अवॉइड नहीं कर सकते हो, समझ में आया ना। लोग जीएस को अवॉइड कर देते हैं, बट जीएस को तो बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सकता है, इसका क्लासेस आपको करना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट हम लोग करेंगे। अब सबसे पहले सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री लिखिए, हेडिंग सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री,